हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, और जो एसआई का आप लोगों का एग्ज़ाम गया है वो भी सभी का अच्छा ही गया होगा। मैं शालिनी यादव अपोजी कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा आंसर क्विज मैंने जो बनाई है वो 2 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में जो गर्ल्स का एग्ज़ाम हुआ था उसकी मैंने आंसर क्विज बनाई है। इसमें आज देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होने वाले हैं, कितने गलत होने वाले हैं। मैंने इसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं तो इसी वजह से थोड़ा टाइम भी लग गया था। तो देखते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान हरियाणवी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। जो बांगड़ू है, जा बांगरू जिसको बोलते हैं, वो हरियाणा में हरियाणवी की जो लैंग्वेज है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली है, बांगरू। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, एक परीक्षा में 3 एकाधिक विकल्प पर्सन होते हैं और प्रत्येक पर्सन में 4 विकल्प होते हैं। जिस तरह से कोई एक छात्र सभी उत्तरों को सही करने में असफल हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। देखो, इस पेपर में 3 क्वेश्चन दिए हुए प्रोबेबिलिटी के, तो जिन बच्चों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है हरियाणा पुलिस का, हाँ सभी का ही नहीं हुआ है, वो बच्चे एक बार प्रोबेबिलिटी वाला एक बार देख ले, प्रायिकता वाला जो आपका कंसेप्ट है उसको एक बार गो थ्रू कर ले, क्योंकि ग्रुप डी में भी उठाया था इन्होंने और इस वाले में भी, एसआई में भी उठाया, तो उसमें भी आने के पूरे पूरे चांसेस है। इसका आंसर होगा आपका 63। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक कंप्यूटर की बोर्ड में सामान्यतः कितनी कीज होती है, कुंजियाँ कितनी होती है? 104 होती है। स्टैंडर्ड जो आपका यूज़ किया जाता है उसमें 104 होती है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है भारत में उच्चतम मैग्नेटाइट अयस्क खालिस्तान में उपलब्ध है। इसमें है आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका, XeF2 अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के एकल युग्मों की संख्या है। इसमें है आंसर आपका सी, ओ आंसर है आपका ऑप्शन सी, और 6 होते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका, खालिस्तान को हरियाणवी संगीत के रागनी और सांग के सूर्य कवि का सम्मान दिया गया। लक्ष्मी चंद हम इसको बोलते हैं, तो उनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको फाइंड आउट करना है, एपी आपको गिवन है, 1/2 जमा 1/3 जमा 1/6 अप टू 10 पदों का इसमें आपको मान निकालना है। 10 पदों का मान होगा -5/2। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया, अनंगपाल था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार के सभी लोगों को समान अवसर देता है, ये है आपका अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हरियाणा पुलिस वाले एक बार ध्यान देना। नेक्स्ट है आपका, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2018 का द्वितीय विजेता कौन था? सेकंड जो था वो था आपका क्रोएशिया। नेक्स्ट है आपका, पीड़िया खालिस्तान के अवसर पर गाया जाता है, जब बच्चे का जन्म होता है तब पीड़िया गाया जाता है, तो जन्म पर। नेक्स्ट है आपका, PN=, ये यहाँ पे है आपका 3N है यहाँ, आई थिंक, हाँ यहाँ पे था 2^3N-1, 2^3-3N-1 है आपका। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए विभाज्य है, तो k आपको फाइंड आउट करना है, k क्या होगा। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे, अगर हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7, और फिर अगर हम 2 पुट करेंगे तो 7 का मल्टीपल, मतलब हम यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाएंगे वो 7 का ही मल्टीपल आएगा, तो आंसर हुआ आपका 7। नेक्स्ट है आपका, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? ये है आपका थानेसर में, इसे हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप अभिलेखन स्टेशन स्थित नहीं है? ये है आपका ऑप्शन सी, पुणे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शुक्राणु का भाग नहीं है? एंट्रम आपका मानव शुक्राणु का भाग नहीं है, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा ने हाल ही में अपना खालिस्तान संस्थापना दिवस मनाया था। अपना 1966 में बना था, उसके बाद से हमने अभी अपना 53वां मनाया था,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, 17 मैथ का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक संख्या तीन अंकों से बनी है जिनका योग 17 है, बीच वाला बाकी दोनों के योग से एक ज्यादा है। यदि अंकों का क्रम उलट दिया जाए तो संख्या 396 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है आपका खालिस्तान कंप्यूटर में सबसे छोटी और तीव्रता वाली मेमोरी है, कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है आपकी। नेक्स्ट है आपका विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में दो पदक जीतने वाले खालिस्तान पहले भारतीय पहलवान रहे, ये है आपके बजरंग पूनिया जी। नेक्स्ट आपका लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ये वाला पैटर्न हर एक पुलिस का मैं बोलूंगी फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी आता है आपका, चंडीगढ़ पुलिस में भी आता है और हरियाणा पुलिस में भी आता है, तो ये पैटर्न आप एक बार देख लीजिए, एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है आपको फाइंड आउट करना है, एक्चुअल में क्वेश्चन ये गिवन है, मैं इधर दिखा देती हूँ आप लोगों को, बी डैश बी डैश बी बी डैश बी डैश बी बी ए बी बी डैश, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका आपको बताना है परवलय वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax के परिवार को दर्शाने वाली अवकलन समीकरण का क्रम है, इसमें होगा आपका ऑप्शन ए आंसर टू। नेक्स्ट है आपका 9 तत्वों वाले एक आव्यूह के अंतिम तत्व की सूचकांक संख्या है, ये होगी आपकी 8। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली बुलेट ट्रेन का खालिस्तान से खालिस्तान के बीच दौड़ेगी, ये दौड़ेगी आपके अहमदाबाद से मुंबई के बीच। नेक्स्ट है आपका अनिल रोहित का परिचय उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराता है, रोहित का अनिल से क्या संबंध है, ये हुआ इसका ममेरा भाई। नेक्स्ट है आपका ये यमुना नदी वाला आपका पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करता है, यमुना नदी। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में जंगल वाला जिला है, ये है आपका फतेहाबाद, सबसे कम जंगल है वहां पे। नेक्स्ट है आपका अति भारित फंक्शन ओवरलोडेड फंक्शन क्या होते हैं, ऑप्शन आपका डी है, इसमें समान नाम लेकिन भिन्न मानकों या प्रकार की संख्या के साथ दो या अधिक फंक्शंस होते हैं आपके ओवरलोडेड फंक्शन। नेक्स्ट है आपका ये देखिए आपको सुमेलित करना है इसको, निम्नलिखित को उनके आधार के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ये आपका गुड़गांव में है, सही है। नेक्स्ट है आपका अगर मैं आपको सिर्फ रिलेट करा के बताऊं तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था है आपकी करनाल में, तो जिस अगर कुछ भी याद नहीं है आपको, अगर थर्ड वाला भी ऑप्शन आपको याद है कि करनाल में है, तो आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें थर्ड का ऑप्शन सी है और वो है आपका बी। नेक्स्ट है आपका विद्युतशीलता ER इक्वल्स टू 2.1 के एक पारद्युतिक से आपको इसमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू, न्यूमेरिकल आपका साइंस का दिया हुआ था, इसमें आपका आंसर आएगा 1.39 × 10⁻³⁰ ओम मिनट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, इसमें है आपका वर्ष 1672 में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह था जिसका नेतृत्व 60 लोगों द्वारा किया गया था, यह था आपका सतनामी विद्रोह। नेक्स्ट आपका खालिस्तान विश्व का प्राचीनतम अभी भी चालू 1855 की बनी भाप इंजन है फेरी क्वीन। नेक्स्ट आपका जेजाक भुक्ति खालिस्तान का पुराना नाम था, ये था आपका बुंदेलखंड का। नेक्स्ट है आपका एक क्षैतिज धरातल पर रखी एक द्रव की बूंद पर लगने वाला बल है, पृष्ठीय तनाव भी होता है और गुरुत्व बल भी होता है, ऑप्शन हो गया आपका सी ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट है आपका तीन विवाहित युगलों को एक सिनेमा हॉल में 6 सीटों पर एक पंक्ति में बैठना है, बैठने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यदि सभी महिलाओं को एक साथ बिठाना है तो, इसका आंसर होगा 144। नेक्स्ट है आपका
एक जंगली प्रजाति को मानव प्रबंधक के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। ये कहलाती है आपका घरेलू बनाना। नेक्स्ट है आपका राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड, वर्ष खालिस्तान में बनाया गया, 1973 में बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटे एकल प्रयोक्ता कंप्यूटर का सीपीयू है, ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने असम में भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया, इसका नामकरण खालिस्तान के नाम पर किया गया था। ये है आपका भूपेन हजारिका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो वही संबंध दर्शाता है जो त्वचा बाल से, ये आपका घास और धरती आएगा और त्वचा और बाल जैसा जो रिलेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट आपका यदि ए इक्वल्स टू 1/√6 माइनस रूट फाइव है तो ए स्क्वेयर प्लस 1/a² आपको फाइंड आउट करना है, इसमें आएगा आपका आंसर 22। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बकरी बकरी का बच्चा होना, घोड़ा घोड़ी ब्याना, भेड़ मेमने का जन्म, एंड इसमें है आपका भैंस सुअर का ब्याना, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन है आपका डी। नेक्स्ट है आपका महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में खालिस्तान के नाम पर रखा गया, राजा महेंद्र सिंह ने बनवाया था, राजा महेंद्र सिंह के नाम पे था ये। नेक्स्ट है आपका इसमें है लेखकों ने सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस वाले आंसर पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है, अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइए। और जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर था वो है आपका जॉन मार्शल, सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका नए युग की परिवहन प्रणालियों में से एक पोड टैक्सी को भारत में प्रस्तावित किया गया है, यह एक खालिस्तान है, चालक रहित मैगलेव रेलगाड़ी है ये। नेक्स्ट है आपका समरूपता पूर्ण करें, जो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का एनालॉजी से रिलेट करके दिया हुआ है और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका कोस 1 डिग्री 2 डिग्री अप टू 179 डिग्री का मान इसमें पूछा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास कोस 90 डिग्री आएगा और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जब जीरो से हमारा कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, जीरो। नेक्स्ट है आपका अमृता प्रीतम को उनकी साहित्यिक कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन सी है वो है उनकी पिंजर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण की एक विशेषता नहीं है, ये होगा आपका ऑप्शन डी, राज्य सार्वभौमिक है। नेक्स्ट है आपका राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित कृतियां प्रसिद्ध हरियाणवी कवि खालिस्तान की है, ये है आपकी अयोध्या प्रसाद गोलिया की। नेक्स्ट है आपका वह शब्द चुनिए जो समूह में अन्य शब्दों से सर्वथा भिन्न है, झील नदी हवा और धारा, यहाँ पे है आपका ऑप्शन हवा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका कथन का उल्टा, यदि एक्स वाई 3:2 है तो 2x=3y- होगा, ये है आपका ऑप्शन इसमें सी, 2x≠3y और x=y≠3:2। नेक्स्ट आपका दहेज हत्या से कौन सी धारा संबंधित है, ये है आईपीसी की धारा 304B। नेक्स्ट है आपका काला व सफेद चिन्हों के विभिन्न सघन के साथ छपे हुए समांतर रेखाओं का सेट है, ये आपका बारकोड कहलाता है, हर एक प्रोडक्ट पे जो होता है। खालिस्तान गोबर और मिट्टी से बनी कला है, इसमें आप अगर आपको नॉलेज नहीं भी थी तो भी आप ऑप्शन से जाके देख सकते थे, आपका ऑप्शन आएगा ए सांझी, जो संजा जिसको डालती थी लड़कियां, पहले उनका फेवरेट था ये। नेक्स्ट है आपका
दो जीनोम से अधिक वाला जीव खालिस्तान कहलाता है, दो से अधिक है तो पॉली होगा, बहुगुणित। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिए हुए अंक से शुरू होने वाली श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, मूल श्रृंखला का अनुसरण कीजिए, तीन के स्थान पर क्या आएगा? ये जब हम फॉलो करते हैं तो इसमें आपका आंसर आएगा 135। नेक्स्ट आपका, 10:10 बजे एक घड़ी के मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना होगा? 115 डिग्री होगा। नेक्स्ट आपका, सीपीयू में खालिस्तान अगले निष्पादन किए जाने वाले निर्देश का संकेत देने हेतु होता है, ये होता है आपका प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59। 59 में है आपका, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निदेशक कौन है? ये है आपका नरेंद्र सिंह वर्क। नेक्स्ट है आपका, एक पासे को लुढ़काने पर एक अभाज्य सम संख्या पाने की प्रायिकता, जो पासे में जो 6 फेज होते हैं उनमें से सिर्फ दूसरा वाला जो फेज है वो अभाज्य भी है और सम भी है, तो वो नंबर हुआ टोटल कितने? 6। 6 में से एक हमें मिला तो 1/6 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई इसमें। नेक्स्ट है आपका, ये देखो आपको एक सीरीज दी हुई है तो इसी को आपको फॉलो करना है और बताना है कि अगले दो अक्षर क्या होंगे। अगले दो अक्षर होंगे आपके पी और वाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खालिस्तान के लिए करार के हस्ताक्षर को अनुमोदन दिया है, जो यमुना नदी की दो सहायक नदियों में नई भंडारण क्षमता जोड़ेगा, ये है आपका किसाऊ और रेणुका बांध। नेक्स्ट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है, अगर यहाँ पे हम सिर्फ राज्य की बात करें तो आपका ऑप्शन होना चाहिए था बी, बिहार और पश्चिम बंगाल, लेकिन अगर वो लोग दिल्ली को भी राज्य की तरह ट्रीट करते हैं तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो इसमें आपका डिपेंड करता है कि कमीशन क्या मानेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अर्धसूत्री विभाजन की प्रयोज्यता चुनिए, इसमें है आपका यह विविधता सृजित करता है, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट है आपका, खालिस्तान प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूसियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है, खुला हस्त स्मारक है, आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्ण हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय खालिस्तान में स्थित था, ये था आपका लाहौर में। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? ये आपका जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर था। नेक्स्ट है आपका, भौगोलिक रूप से हरियाणा में खालिस्तान विधानसभा क्षेत्र है, टोटल है इसमें 90 विधानसभा क्षेत्र। नेक्स्ट है, यदि ए तिरछा सममित है तो ए स्क्वेयर सममित होगा, ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट आपका, क्वेश्चन मार्क को खालिस्तान ऑपरेटर कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, बांग्लादेश का राष्ट्रगान खालिस्तान द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त सिंधु या सात नदियों में नहीं आता? देखो जेसीबी आपकी इसमें आती है, किसमें? ऊपर जो सप्त सिंधु वाला है, मारकंडा उसमें नहीं आती, तो आपका मारकंडा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपका, मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्य पर खालिस्तान का प्रजनन केंद्र है, ये है आपका गिद्ध प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 का है आपका, शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली खालिस्तान से ली गई है, ये ली गई है आपकी कनाडा से। नेक्स्ट है आपका, हाइब्रिड कंप्यूटरों का प्रयोग खालिस्तान होता है अंकीय करने के लिए एनालॉग संकेत को रूपांतरित करने हेतु। नेक्स्ट है, भारत ने आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2000 जीता था, अंतिम मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच
हुआ था। आंसर क्या है आपका? डी। यह है टका से उसी प्रकार संबंधित है जैसे लीरा इटली से है, लीरा इटली की करेंसी है और टका बांग्लादेश की करेंसी है। नेक्स्ट है आपका, यदि 3 रेज टू पावर ए एक्स इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर ए, वाई इक्वल्स टू 9 रेज टू पावर बी और जेड इक्वल्स टू 27 रेज टू पावर सी है, तो एक्स बी सी वाई सी ए और जेड ए बी इक्वल्स टू 1, तो ए बी सी की यहाँ वैल्यू बतानी है, वो हुई आपकी 0। नेक्स्ट है आपका, दुग्ध स्त्रावण का आरंभ खालिस्थान कहलाता है, ये कहलाता है आपका लैक्टोजेनेसिस। नेक्स्ट है, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? कैथल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, विजिबल है। नेक्स्ट है आपका, रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें और सही कथन चुनिए। देखो, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। जो ऑप्शन सेकंड है वो आपका फॉलो नहीं करता, सामान्य इच्छा अचूक है, ये ऐसा रूसो ने नहीं कहा था, तो आपका ऑप्शन हुआ इसमें ए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर करना सो दैट कि जो भी मेरी आगे वीडियो बने उसका आप लोगों को पता लगता रहे, नोटिफिकेशन उसमें आता रहे कि ये नई वीडियो बनी है। नेक्स्ट है आपका, खालिस्थान बीटा कीटो इस्टर की अमोनिया या प्राथमिक अमीन की उपस्थिति में अल्फा क्लोरो कीटोन के साथ अभिक्रिया में पायरोल व्युत्पन्नों का संश्लेषण है, ये है आपका नोर पायरोल संश्लेषण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका, ये इसमें आपको वैल्यू बतानी है कि क्या हम पुट कर सकते हैं, तो इसमें आएगा एक्स इज ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट आपका, पोषक तत्वों की आवश्यकता का मानक खालिस्तान द्वारा दिया गया है, ये आपका दिया गया है पार्कर द्वारा। नेक्स्ट आपका, भारतीय दंड संहिता खालिस्तान से लागू हुई, ये हुई थी आपकी 6 अक्टूबर 1860 से। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर रहा है परम। नेक्स्ट है आपका, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल खालिस्तान के आद्र तल के साथ साथ पाए जाते हैं, आपका घग्गर हकरा नदी। नेक्स्ट है आपका, सीई विन्यास में यदि 5 ओम है, इसमें आपको फाइनली वैल्यू फाइंड आउट करनी है आई बी की, तो ये आपका मान होगा इसमें 0.02, आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका, अब आगे हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन आता है। इंग्लिश वाले में सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि जो अंडरलाइन ऑप्शन है वो है क्या। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, इसमें आपको बताना कौन सा टाइप का प्रोनाउन है, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका, दे मीट रेगुलरली एट ईच अदर्स हाउस, यहाँ पे ईच अदर्स क्या है, यहाँ पे है आपका रेसिप्रोकल, एक दूसरे से। नेक्स्ट है आपका, आपको फाइंड आउट करना है कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। कंपाउंड सेंटेंस एंड और वगैरह का या एज वेल एज का जहाँ पे यूज़ किया गया हो वो होते हैं आपके कंपाउंड स्टेटमेंट सेंटेंसेस। तो फर्स्ट वाले में एंड का यूज़ कहाँ किया है, सिर्फ ऑप्शन आपके इसमें सी में। सेकंड वाले में और का यूज़ किया गया है ऑप्शन ए में, तो 91 का है सी और 92 का है ए। नेक्स्ट है आपका, आपको सेंटेंस बताना है कौन सा रोंग लिखा हुआ है। खालिस्तान ऑप्शन ए ही है इसमें, हु डू यू थिंक शी इज, हुम डू यू थिंक आना था लेकिन यहाँ दिया हुआ है हु डू यू थिंक। नेक्स्ट आपका, इसमें ही गेव मी एन एडवाइस, एडवाइस से पहले आपका आर्टिकल नहीं लगेगा, तो आपका ऑप्शन इसमें सी। नेक्स्ट है आपका, हिंदी का पोर्शन भी अच्छा खासा आया हुआ है, मतलब ग्रुप डी का अगर आप लोगों ने देखा है तो फिर तो इजी ही लगेगा। इनमें विश्लेषण शब्द है, लिखता है तुम, राम या अच्छा, तो अच्छा एक
विशेषण, सॉरी, विश्लेषण ने विशेषण शब्द पूछा है, तो अच्छा है आपका इसमें विशेषण शब्द। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कुत्ते ने बिल्ली को मारा, कुत्ता ने बिल्ली को मारा, कुत्ता ने बिल्ली को मारता है और कुत्ता बिल्ली को मारा, आपको पढ़ने में ही पता लग रहा है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है आपका शहर शब्द क्या है? क्रिया, जातिवाचक, अव्यय या फिर सर्वनाम। जो शहर शब्द है वो है आपका जातिवाचक, क्योंकि पूरी क्लास शहर को, सिटी को ये शो करता है। अगर पर्टिकुलर हम किसी शहर का नाम दे देंगे तो वो हुआ आपका व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है आपका राम रोटी खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। ये वाच्य वाले एक बार देख लेना, आप लोगों के आएगा, क्योंकि ग्रुप डी में भी आया था और एसआई में भी, दोनों में आया था। राम से रोटी खाई जाती है, कर्मवाच्य में होता है, से या के द्वारा में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका टस से मस न होना मुहावरे का मीनिंग। टस से मस न होने का मतलब होता है जरा भी प्रभावित न होना। नेक्स्ट है आपका प्रत्युपकार का संधि विच्छेद, इसका होगा प्रति जमा उपकार, तो ये होगा आपका ऑप्शन डी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों के नंबर कितने काउंट होते हैं टोटल, सो दैट कि हम आइडिया लगा सके कि आप लोगों का सिलेक्शन है या नहीं है। थैंक यू सो मच।